सातवें और अंतिम चरण के मतदान में जहां आज मध्यप्रदेश की भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं मध्यप्रदेश के इंदौर में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत सामने आ रही है। इंदौर के गाड़ी अड्डा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर बूथ क्रमांक 143 और 147 से भी ईवीएम में खराबी की शिकायत सामने आई है। वहीं इंदौर के महालक्ष्मी नगर में भी ईवीएम खराब की शिकायत सामने आई है, जिसकी वजह से 7:45 बजे तक वहां मतदान शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से कई लोगों को बिना मतदान किए ही वापस लौटना पड़ा। सातवें और अंतिम चरण के मतदान में जहां आज मध्यप्रदेश की भी 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, वहीं मध्यप्रदेश के इंदौर में कई जगहों पर ईवीएम में खराबी की शिकायत सामने आ रही है। इंदौर के गाड़ी अड्डा क्षेत्र के मतदान केंद्र पर बूथ क्रमांक 143 और 147 से भी ईवीएम में खराबी की शिकायत सामने आई है। वहीं इंदौर के महालक्ष्मी नगर में भी ईवीएम खराब की शिकायत सामने आई है, जिसकी वजह से हम खड़े हैं अभी गाड़ी अड्डा के बूथ क्रमांक 147 और 143 पे। यहाँ सुबह 7:45 बजे से लोगों का आना शुरू हो गया था, लेकिन दुर्भाग्य जैसे ही मतदान शुरू हुआ मशीनें यहाँ की दोनों मशीनें खराब हो चुकी है। लोग अभी भी लाइन पर लगे हुए हैं, देखिए अभी पूरे 20-25 लोग खड़े हैं जो अपने मत का मत डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम अभी भी चालू नहीं हुई है। भीड़ यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लाइन भी लोग आते जा रहे हैं, लेकिन ईवीएम खराब होने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दावा किया है कि जल्दी हम इसको करवा रहे हैं, लेकिन आधा घंटा से ऊपर बीत चुका है, अभी तक कोई ईवीएम नहीं सुधारी गई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र यादव के साथ ठाकुर भारती, MP News, इंदौर।